नमस्कार दोस्तों, चेतन हर्बल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने के फायदे के बारे में। सुबह सुबह नरम घास पर चलने के अलावा मिट्टी और रेत पर भी चलना चाहिए। सुबह शाम करीब 15 से 20 मिनट तक घास पर नंगे पांव पर चलने से हर तरह से फायदा होता है। हेल्थ के लिहाज से घास पर चलने के कई लाभ हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो इससे आँखों की रोशनी तो इम्प्रूव होती ही है, साथ ही इससे तनाव भी कम होता है। यहाँ देखें सुबह सुबह घास पर नंगे पांव चलने के ये फायदे। एक, आँखों की रोशनी तेज होती है। सुबह सुबह जब घास पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर पैरों के अंगूठों पर होता है। इन पॉइंट्स की मदद से आँखों की रोशनी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हरे रंग की घास देखने से आँखों को राहत भी मिलती है। दो, एलर्जी से बचने में मदद करता है। ग्रीन थेरेपी का मुख्य अंग है हरी भरी घास पर नंगे पैर चलना या बैठना। सुबह सुबह उसमें भी घी घास पर चलना बहुत बेहतर माना जाता है, जो पांवों के नीचे की कोमल कोशिकाओं से जुड़ी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक राहत पहुंचाता है। तीन, पैरों की एक्सरसाइज होती है। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे पैरों के मांसपेशियों, तलवों और घुटनों को रिलैक्स मिलता है। चार, तनाव से मिलता है आराम। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से दिमाग शांत रहता है। सुबह ताजा हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली दिमाग को तरोताजा कर देती है। इस वातावरण में रहने से आप काफी रिलैक्स और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। पाँच, मधुमेह रोगियों के लिए खास आराम। मधुमेह रोगियों के लिए हरियाली के बीच बैठना, टहलना और उसे देखना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों में कोई भी घाव आसानी से नहीं भरता, परंतु मधुमेह रोगी यदि हरियाली के बीच रहकर नियमित गहरी सांस लेते हुए टहले तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होने से समस्या से निजात पाया जा सकता है। लगातार ऐसे ही घरेलू नुस्खे से अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल चेतन हर्बल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मनपसंद जानकारी के लिए कॉमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।